डियर फ्रेंड्स, आज हम टेंस को स्टार्ट कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी पास्ट मीन्स भूतकाल और कंटिन्यूस का मतलब है आगे भी लगातार काम जो हम कर रहे हैं लगातार जारी रहना। यानी काम जो था लगातार चल रहा था, यानी काम हमारे द्वारा जो कार्य किया गया था वो भूतकाल में तो था लेकिन कंटिन्यूस था। कंटिन्यूस का मतलब लगातार जारी रहना, लगातार चल रहा था, है ना। ठीक है, तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये पास में बीत तो चुका था लेकिन कंटिन्यूस था, लगातार चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हिंदी वर्ड आती हैं रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, देन इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में लेते हैं तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूले में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज और वर लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और चूंकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला मैंने जैसे कि अभी आपको जिस बताया था कि सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी वॉज और वर लगेगी और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूस का मतलब जारी रहना और जारी रहने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी आईएनजी लगेगी। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जिसको कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, देन इसके बाद वॉज और वर लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमारा एग्जांपल आता है कि आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई क्या हो गया यहाँ पे, आई सब्जेक्ट है, वॉज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब तो हमने प्लस ऐड कर दिया, इसमें रन क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एक एन हमने और जोड़ा अपनी तरफ से और आईएनजी लगा दिया तो इसमें क्या बन गया रनिंग, है ना। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, वाक्य में सेंटेंस क्या आया था रहा था। ओके, देन इसी प्रकार से हमारा सेकंड एग्जांपल बनता है सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो सी क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आपकी थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट, फिर वॉज क्या हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, देन रीड क्या हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एड क्या किया इसमें हमने आईएनजी, तो ये क्या बन गया रीडिंग, कि सी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। ओके, अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, क्योंकि नेगेटिव से पता चलता है कि नोट लगेगा इसमें, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे सब्जेक्ट लेंगे, प्लस इसमें क्या लगाएंगे वॉज और वर लगेगा, देन इसके बाद क्या लग जाएगा नोट लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद प्लस आईएनजी इसमें हम ऐड करेंगे। एग्जांपल हमारा बनता है आई वॉज नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा था। इसमें आई क्या हो गया, आई क्या है सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया एचवी, ठीक है, फिर नेगेटिव है तो इसमें क्या लग गया नोट लगाया हमने, क्या लगाया नोट लगा दिया। ओके, देन इसके बाद रन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा दिया और एक एन अपनी तरफ से जोड़ दिया तो रनिंग हो गया, रन में आईएनजी लगाएंगे तो रनिंग हो जाएगा, डबल एन आ जाएगा, तो आई वॉज नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसी में एग्जांपल एक और देखते हैं हम, सी वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी, नोट लग गया इसमें, नेगेटिव सेंटेंस हमारा आ गया इसमें तो नोट लग जाएगा,
सेकेंड एग्जाम्पल हो गया हमारा सी वॉज नॉट रीडिंग, तो सी क्या हो गया सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लग जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी लग गया, ओके तो ये बन गया सी वॉज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, और इसमें क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हमें किसको लाना होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, देन इसके बाद क्या लाते हैं हम सब्जेक्ट लाएंगे, देन इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और इसके बाद आईएनजी, और प्लस लास्ट में क्या लगाएंगे हम साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क, यानी प्रश्नवाचक का निशान लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल होता है वॉज आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा था, और लास्ट में हमने क्या लगाया हम इसमें साइन ऑफ इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है। तो वॉज आई रनिंग, वॉज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई क्या हो गया सब्जेक्ट, आई क्या है सब्जेक्ट, और रन में आई एन जी लग गया और एन हमने ऐड किया तो रनिंग बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया आई एन जी, ठीक है, तो ये बन गया वॉज आई रनिंग, ओके। ऐसी इसी प्रकार से हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो यू इसमें क्या हो गया आई, यू इसमें सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या काम लेंगे वर लगाएंगे, ओके। वर यू गोइंग टू स्कूल और साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क, कि क्या तुम स्कूल जा रहे थे, वर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब एच वी हो गई, यू क्या हो गया सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी लग गया गोइंग, और टू क्या हो गया यहाँ पे ओबीजे ऑब्जेक्ट हो गया, तो वॉज यू गोइंग टू, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। नेक्स्ट हम लेते हैं फोर नंबर पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, नेगेटिव मीन्स इसमें साथ में हमने नेगेटिव और जोड़ दिया, तो दोनों जुड़ गए, दोनों तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ओके। इसमें एग्जाम्पल हो जाए, फॉर्मूला होगा इसका वॉज वर, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, तो है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस अगर ऑब्जेक्ट दे रखा तो ऑब्जेक्ट और प्लस इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेटिव का मार्क, ठीक है। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो वर क्या हो गया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाए क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वर हो गई, यू क्या है सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वर लगेगी, वॉज नहीं लगेगी, क्या वर यू और नेगेटिव है तो नोट, तो वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट प्लस हमने लगाया नोट, गो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी लगा दिया और टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, कि क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। अब इसी का हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि वॉज मदर नोट, इसमें हमने सॉरी दो बार लगा दिया इसको, ये नहीं आएगा, वॉज मदर नोट प्रिपेयरिंग आवर ब्रेकफास्ट, क्या हमारी माताजी खाना नहीं तैयार कर रही थी, ठीक है। तो इसमें वॉज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, मदर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी एक वचन करता है, ओके तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वॉज लगेगी वर नहीं लगेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना क्योंकि इंट्रोगेटिव है नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, तो वॉज मदर, वॉज हेल्पिंग वर्ब, मदर हो गया सब्जेक्ट, नोट लगाएंगे नेगेटिव है तो नोट, और फिर लगाएंगे प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आई एन जी लगा दिया, प्रिपेयरिंग आवर ब्रेकफास्ट, क्या माताजी ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं कर, हमारा ब्रेकफास्ट तैयार नहीं कर रही थी, ओके। देन इसके बाद अब हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ एडवर्ब, अब कौन कौन से एडवर्ब यूज़ होते हैं सेंटेंस के एंड में, अगो, यस्टरडे, लास्ट, प्रीवियस डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, आफ्टरनून, एटसेट्रा, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज लेते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं अपना, तो अपना फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज का फर्स्ट है मदर वॉज फिर ब्लैंक
कॉस्टिक में वर्ब दे रखी है स्लीप इन द आफ्टरनून। एडवर्ब क्या आया इसमें? इन द आफ्टरनून, यानी मेरी माताजी स्लीप जो है, स्लीप की वर्ब क्या लगेगी इसमें? कंटिन्यूस टेंस है, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हमें इसमें क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। ओके, देन मदर्स जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वोज या वर? वोज लगेगी ना, तो हम लगाएंगे वोज। तो मदर वोज और स्लीप में आईएनजी लगा दिया, स्लीपिंग। मदर वोज स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, यानी इन द आफ्टरनून मैंने दोपहर के समय में माताजी सो रही थी, तो एडवर्ब हो गया इन द आफ्टरनून। ओके, देन इसके बाद अब हम सेकेंड सेंटेंस हमारा लेते हैं। तो वेन ही सा द रमेश इन द लाइब्रेरी, जब उसने रमेश को लाइब्रेरी में देखा, सा वर्ड यहाँ पे हो गया पास्ट टेंस का, ठीक है। फिर आता है ही कॉमा ही, फिर ब्लैंक कोष्टक में वर्ब दे रखी है हमारी रिटर्न हिज, रिटर्न हिज बुक्स। तो जब उसने रमेश को लाइब्रेरी में देखा तो वह क्या कर रही थी? रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, रिटर्न में आईएनजी लगाना है, ठीक है। अब क्या है? ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? ही वॉज या वर? वॉज लगेगी, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक वचन करता है, तो ही वॉज और रिटर्न में आईएनजी लगा जाएंगे, रिटर्निंग हो जाएगा। तो ही वॉज रिटर्निंग हिज बुक, तो वह उसकी पुस्तक लौटा रहा था, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड इसमें आता है व्हेन विजय अराइव्ड, जब विजय वहां पर पहुंचा। अराइव्ड मैंने अराइव की सेकेंड फॉर्म हो गई, अराइव्ड पहुंचा पास्ट टेंस, ठीक है। कॉमा कॉमा सोमा सोमा, फिर ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे ब्लैंक, और फिर स्टडी वर्ब क्या दे रखी है हमारी कोष्टक में? स्टडी वर्ब दे रखी है ना। तो अब सोमा जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वोज लगाएंगे। ओके, फिर देन स्टडी है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, तो स्टडाइंग हो जाएगा। तो सोमा वोज स्टडाइंग, जब विजय वहाँ पहुँचा तो सोमा क्या कर रही थी? वहाँ पे अपना अध्ययन कर रही थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी। ओके, देन एग्जांपल लेते हैं फोर। यू फिर ब्लैंक कोष्टक में वर्ब दे रखिए गो टू स्कूल यस्टरडे, लास्ट में वर्ड क्या आया? यस्टरडे, क्या वर्ड आया? यस्टरडे वर्ड आया, ठीक है। लेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर, एग्जाम्पल फोर लेंगे। यू फिर ब्लैंक कोष्टक में वर्ब दे रखिए गो टू स्कूल यस्टरडे, लास्ट में वर्ड क्या दे रखा है इसमें? यस्टरडे, नहीं बीत जाना ना, इसमें एडवर्ब दिया यस्टरडे। तो यू फिर कोष्टक में वर्ब दे रखिए गो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर्ब लगेगी, ठीक है। गो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो यू वर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फिफ्थ। लीना फिर ब्लैंक नोट सिंगिंग, वर्ब दे रखिए इसमें, वर्ब दे रखी इसमें सिंग, सॉरी वर्ब दे रखी इसमें सिंग, वर्ब दे रखी है ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में वर्ब दे रखी इसमें एडवर्ब दे रखा इन द मॉर्निंग, एडवर्ब दिया इसमें इन द मॉर्निंग। ओके, तो लीना फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग है, तो आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है। और लीना जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वोज लगेगी। नेगेटिव है तो नोट लगेगा, तो लीना वोज नोट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग, लीना सुबह के समय में एक गाना नहीं गा रही थी, ठीक है। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर सिक्स। वी ब्लैंक नोट फिर वर्ब दे रखिए हमारी वॉच, वर्ब क्या दे रखिए? वॉच। टू स्टॉप विंडो व्हेन
वी मेट विमल, यहाँ पे मेट वर्ब की पास्ट टेंस आ गई, जब मैं विमल से मिला, ठीक है। तो इसमें वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वॉच में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो ये बन गया वॉचिंग, ठीक है। अब वी क्या है, प्लूरल पर्सन यानी बहुवचन है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगी। नोट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वी वर नोट वॉचिंग द शॉप विंडो, हम खिड़की की इस जो शॉप थी उसकी खिड़की में से नहीं झांक रहे थे। वेन वी मेट विमल, जब हम विमल से मिले तो हम शॉप की विंडो में से नहीं झांक रहे थे। वॉचिंग मैंने देखना, झांकना, नहीं देख रहे थे, नहीं झांक रहे थे। एग्जाम्पल आता है अब हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7। 7 में फर्स्ट में एट फर्स्ट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वी कोष्टक में हमारी वर्ब दे रखी है गो, ठीक है, टू मार्केट, और लास्ट में दिया है साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। और गो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस है, तो गो में वर्ब की क्या लग जाएगी, सॉरी कंटिन्यू, इसमें गो में वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, कंटिन्यूस है, ठीक है। वी दिया है, तो वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगा, वर लग जाएगा, ओके। वर वी, गो में आईएनजी लग गया तो गोइंग, वर वी गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क कि क्या क्या हम मार्केट जा रहे थे, ओके। तो इसमें वर हो गया हेल्पिंग वर्ब, वी हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा दिया, और मार्केट टू मार्केट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। अब देन हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, एग्जाम्पल 8 लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले, इसमें हमारा दे रखा है सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है मदर, फिर नोट, फिर ब्लैंक, वर्ब दे रखी है हमारी स्लीप, और लास्ट में दिया है एडवर्ब दिया है इन द आफ्टरनून, लास्ट में एडवर्ब दिया है इन द आफ्टरनून, इसको हम सर्किल कर रखा है मैंने इसमें, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया कि स्लीप में आईएनजी लग गया तो स्लीपिंग हो गया, मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज, तो स्टार्टिंग में हम लगाएंगे वॉज मदर नोट स्लीपिंग इन द आफ्टरनून कि क्या दोपहर में माताजी नहीं सो रही थी। तो हम आज हम अपने चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट डे पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके, थैंक यू।